नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की सियासत पर, जो इस समय पूरी तरीके से गर्माया हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर वार ने भी राजनीतिक माहौल को और तड़का दिया है। पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए अलग अलग प्रकार के पोस्टर भी लगा रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के इस नारे का जवाब देते हुए जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा पेश कर दिया है। इस पर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इसे सकारात्मक राजनीति का प्रतीक बताया है। लखनऊ में राजभवन चौराहे से समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ से जाने वाली सड़क पर जुड़ेंगे तो जीतेंगे का पोस्टर प्रोमिनेंटली लगाया गया है, जिसे समाजवादी पार्टी के नेता विजय प्रताप यादव ने लगाया है। अखिलेश यादव ने इस पोस्टर को अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा, जिनका नजरिया जैसा उनका नारा वैसा। उन्होंने इस नारे के जरिए एकता और सहयोग की अहमियत को उजागर किया है। समाजवादी पार्टी पीडीए का हिस्सा है, जो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीति पर जोर देती है। उनका मानना है कि अगर वे इन समुदाय को एकजुट कर लेते हैं तो 2027 की सत्ता प्राप्त करना आसान होगा। दूसरी ओर बीजेपी का ये मानना है कि अगर सभी जातियां एकजुट रहेंगी और आपस में नहीं बटेंगी तो वो चुनाव में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। यूपी की मौजूदा सियासत अब इन दो नारों के इर्द गिर्द ही घूमने लगी है, जहां अखिलेश यादव बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे को नकारात्मक बता रहे हैं, वहीं सत्ताधारी दल के नेता इसे सही ठहरा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन नारों का उपचुनाव और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है। हाल ही में यूपी में 80-20 की राजनीति चल रही है। बीजेपी अपने नारों और पोस्टरों के माध्यम से 80% लोगों को साधने में जुटी है, इसलिए वो बटेंगे तो कटेंगे की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर पीडीए का ध्यान 20% वोटरों पर है और वो अपने नारे के जरिए इन लोगों को अपने पक्ष में लाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अब इसी बीच वाराणसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने स्पष्ट कहा है कि कहीं कोई बात नहीं रहा है और ना ही मतभेद पैदा हो रहा है, ये विशेषकर बीजेपी का काम है। कांग्रेस नेता राशिद आलवी ने भी कहा कि बीजेपी की मंशा है कि मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाकर समाज में विभाजन पैदा किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात करने लगती है और ये एक गंभीर चिंता का विषय है। अब आखिरकार ये देखना होगा कि इन नारों और बयानों का चुनावी मैदान में क्या प्रभाव पड़ता है। क्या ये नारे वोटरों को प्रभावित करेंगे या राजनीति की इन रणनीतियों का कोई खास असर नहीं होगा। जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम आपको हर महत्वपूर्ण अपडेट देते रहे। और इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर एक पोस्टमैन मिलेगा सत्य के संकेत के साथ। जय हिंद, जय भारत।